हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। सो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लेक्चर भी चल रहे थे, तो इसका ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज दी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। मतलब कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कौन कौन से मेथड हैं, वो मेथड जिनके द्वारा हम किसी भी सोल्यूशन, किसी भी लिक्विड प्रिपरेशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेस कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें सबसे पहला है परसेंटेज कंसंट्रेशन मेथड। मतलब कि हम कंसंट्रेशन की परसेंटेज को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए यहां पर तीन मेथड दिए हुए हैं। पहला है परसेंट वेट बाय वेट, दूसरा है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड है सी है परसेंट वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंट वेट बाय वेट का मतलब है जब हम सल्यूट और सॉल्वेंट को सॉल्वेंट के मास को मेजर करके उसकी जो रेशियो निकालेंगे वो हमारा कहलाएगा परसेंट वेट बाय वेट। देखिए परसेंट वेट बाय वेट का मतलब यहां पर जो वेट है ये शो कर रहा है सल्यूट को, यहां पर ये जो है वो शो कर रहा है सल्यूट को, और यहां ये वाला है ये और शो कर रहा है सॉल्वेंट को। तो यहां पर जो सल्यूट है उसको हम लेंगे ग्राम में, और जो सॉल्वेंट है उसको भी किस में लेंगे? ग्राम में। उन दोनों का हम वेट मेजर कर लेंगे और दोनों के बीच का रेशियो निकाल लेंगे, वो हमारा कहलाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, इसी का हमारा सी है, दैट इज दी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यहां पर जो सल्यूट होगा ना वो उसका मास मेजर करेंगे, ठीक है, उसका मास वे कर लेंगे, और उसका जो सॉल्वेंट होगा वो उसको वॉल्यूम में करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे उसके वॉल्यूम को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है इसको हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो हमारा कहलाएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सी वाला है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहां पर हमारे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों ही क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, तो हम दोनों के वॉल्यूम को चेक करेंगे। सॉल्वेंट के वॉल्यूम को मेजर किया, सॉल्वेंट के वॉल्यूम को मेजर किया, एंड जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है अपॉन में रख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को, और दोनों से एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे हो गए परसेंटेज कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला। ठीक है, दूसरा हमारा इसमें आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का भी एक फार्मूला होता है जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो सल्यूट है उस सल्यूट के वेट को मेजर करेंगे, उसके बाद हमारा इक्विवेलेंट वेट को मेजर करेंगे सल्यूट के, और जो सॉल्यूशन है उसके वॉल्यूम को मेजर करेंगे, उसको हम इस फार्मूले में रख देंगे और आपकी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। तो नॉर्मेलिटी निकालने का जो फार्मूला है दैट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हमारा है दैट इज द मोलर मोलरिटी। तो मोलर कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो फार्मूला है दैट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, तो यहां पर जो मोलर कंसंट्रेशन उसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम सल्यूट के वेट को मेजर करेंगे, उसके बाद हम जो सॉल्वेंट है उसके वेट को मेजर करेंगे, और उसके बाद मॉलिक्यूलर जो वेट है सॉल्वेंट का उसको निकाल लेंगे। और मॉलिक्यूलर वेट आप सबने 12th क्लास में निकाला होगा, आई होप सो आपको आता होगा। तो वो आप निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक मास के बेस पर। सपोज मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहूंगा क्वेश्चन, जैसे कि आपको मान लीजिए H2O है, अब आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो उसके लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का होता है वो 1 होता है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो एटम है वो 2 है, यानी कि 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 है, यानी कि 1 और इंटू, यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2 मॉलिक्यूल है 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, प्लस 1 मॉलिक्यूल है, 1 एटम है, जिसका जो फाइनल वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2 × 1 = 2 + 16 × 1 = 16, तो इज इक्वल टू 18।
तो ये हमारी क्या एटॉमिक मास यूनिट या फिर बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट है। तो इसी प्रकार से हम क्या है मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करेंगे और उस मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ पर रख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपकी मोलरिटी की वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, फोर्थ हमारा है दैट इज द मोलरिटी। तो मोलर कंसेंट्रेशन निकालने का जो फार्मूला होता है उसमें हमारा सिंपल है, इसमें जो सल्यूट है उसके नंबर ऑफ मोल्स को मेजर करेंगे एंड नंबर ऑफ मोल्स जो सल्यूट के होंगे उसकी जो है उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर। ये मतलब जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर में कितना है, 4 लीटर 5 लीटर उसके हिसाब से उसको रख देंगे और दोनों का जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी कहलाएगी मोलर कंसेंट्रेशन या फिर मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी को हम डिफाइंड भी ऐसे करते हैं कि मोलरिटी कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ द लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलरिटी। ऐसे ही हमारा मोलरिटी की वैल्यू जो डेफिनेशन है मोस्टली आपको ये अगर पूछेगा तो पूरा एक ये पूछेगा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन 7 मार्क्स में, ओके पूछता है कभी कभी, बाकी आपके मोस्टली जो आता है वो 2 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में। ठीक है, और 2 मार्क्स में आपको इसकी डेफिनेशन फार्मूला दोनों ही लिखने हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ फार्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि फार्मूले से ही इसकी डेफिनेशन बनी है। तो आप मोरलिटी को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, द मोरलिटी कैन बी डिफाइंड एज द वेट ऑफ द सॉल्यूट पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट विच इज मल्टीप्लाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100 इज कॉल्ड द मोरलिटी। ओके, इसी प्रकार से हमारा फॉर्मेलिटी है, फिफ्थ वन हमारा क्या है फॉर्मेलिटी, फॉर्मल कंसंट्रेशन। तो ये जो फॉर्मेलिटी है ये हम उन केस में निकालते हैं जहां पर हमारे जो सल्यूट और जो सॉल्वेंट है वो आयंस के फॉर्म में होते हैं, उनकी हमारे जो मोलरिटी और मोलरिटी निकालना इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए हम फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। तो मैंने लिखा भी है यूज्ड व्हेन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म, जब सब्सटेंस आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तब हम उसकी फॉर्मेलिटी को निकालते हैं। ठीक है, एग्जांपल है जैसे सोडियम क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, तो ये सारे क्या है आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड में आयंस में टूटता है ये Na प्लस Cl माइनस में, ये भी ऐसे टूटता है Cl माइनस Fe प्लस में, राइट है ना। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला है फॉर्मेलिटी निकालने का वो है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब जो वेट है सॉल्यूट का वो ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला वेट। ठीक है, और इसी को हम डिफाइंड भी ऐसे कह सकते हैं, द फॉर्मेलिटी कैन बी डिफाइंड एज द वेट ऑफ सॉल्यूट इन mg पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर विच इज मल्टीप्लाइड बाई दी 100, ओके विच इज मल्टीप्लाइड बाई दी फार्मूला वेट इज कॉल्ड दी फॉर्मेलिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा इसी में है दैट इज दी पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है फ्रेंड, यहां पर हमारा जो आपने जो निकाला था मोलरिटी, तो मोलरिटी का ही फार्मूला रखिए और मल्टीप्लाई बाई 10^6 से कर दीजिए, आपकी पार्ट्स पर मिलियन निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पर मिलियन है, अगर विलियन कर दे तो देखो यहाँ पर 10^6 का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ठीक। इसी प्रकार से जब आप निकालेंगे पार्ट्स पर विलियन तो आपकी 1 0 और लगा देना 10^ यहाँ पर शायद 8 होता है, 10^8 होगा पार्ट्स पर मिलियन, तब आपका निकलेगा पार्ट्स पर विलियन, ये है पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन का जो फार्मूला है वो सिंपल है दैट इज दी सिमिलर टू दी मोलरिटी, बट यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई बाई 10^6 कर दिए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6, ठीक है नहीं यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, सिमिलर है बट यहाँ पर मोल्स है, बट यहाँ क्या है मास ले रखा है सॉल्यूट का, हम सॉल्यूट को सॉल्यूट का वेट मेजर करेंगे और फिर सॉल्वेंट का वेट मेजर करेंगे, दोनों की वैल्यू को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100^6, आपका निकल आया क्या पार्ट्स पर मिलियन। मोलरिटी और इसमें डिफरेंस है, मुझे लगा सिमिलर है बट डिफरेंस है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है और यहाँ पर जो सॉल्यूशन ले रहा है उसका वो भी क्या है लीटर में ले रहा है, उसका वॉल्यूम ले रहा है, ठीक है यहाँ पर मास ले रहा है सॉल्यूशन का। इसी में हमारा नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज द इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट भी निकालते हैं, तो ये हम निकालते हैं इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जहां पर एसिड प्लस बेस रिएक्शन होती है तो वहां क्या बनता है न्यूट्रल सॉल्ट बनता है एंड वाटर, राइट।
कोई भी आप एसिड लीजिए और बेस लीजिए, उनकी रिएक्शन कराइए, आपको वाटर मिलेगा और सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है एसिड के लिए, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के नेचर है उनके लिए जो फार्मूला है, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। उसकी बेसिसिटी कितनी है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा एसिड के लिए, ठीक है। इसी प्रकार जो बेस है उसके लिए हम निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, उसकी एसिडिटी चेक करेंगे, निकल जाता होगा, ठीक है। और इसी का जो सी टाइप है दैट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो इसमें हम प्रेसिपिटेट चेक करते हैं या ऐसे सब्सटेंस का हम कंसंट्रेशन वेट फाइंड आउट करते हैं जो प्रेसिपिटेट बनाती हैं, तो उसके लिए जो फार्मूला है दैट इज दी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसी ऑफ द रिएक्टिंग आयंस। रिएक्टिंग आयंस की बैलेंसी कितनी है, बैलेंसी को निकालेंगे और उस बैलेंसी को और मॉलिक्यूलर वेट को जो है दोनों की दोनों के दूसरे के साथ हम डिवाइड करेंगे, उस वाले में फिर क्या वो फाइंड आएगा प्रेसिपिटेशन की वैल्यू। तो ये आपके फार्मूलाज हैं और ये आपके दो दो मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन और फार्मूला, फार्मूला याद रखना है, डेफिनेशन आप खुद देख सकते हैं इससे बना करके, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, आपके जरूर एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, हमेशा मोलरिटी मोरलिटी या नॉर्मलिटी पूछता है। मैंने जब एग्जाम दिया था तो उस समय पे नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी पूछी गई थी, तो इसलिए पढ़ लेना, ठीक है, ध्यान से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, और नेक्स्ट हमारा है देखेंगे कौन सा टॉपिक है, वो हम मैं आपको कल पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो देखते रहिए, थैंक यू सो मच।